इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट ड्रॉप, वो साफ कर ले पीछे से, नहीं तो अपने फोन से बना ले। कौन है आप? तो अब हम जा रहे हैं कैची धाम नीम करोली बाबा। तो हमने अपना घर से सफर शुरू किया है और इस सफर में जा रहे हैं तीन लोग हमेशा की तरह, मैं, प्रणव इज परमानेंट एंड मामा जी इस बार हमारे साथ जा रहे हैं। तो आपको नीम करोली बाबा के दर्शन करवाते हैं। कहा जाता है वैसे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट हम बाहर से जितना आपको करवा पाएंगे इस व्लॉग के थ्रू दर्शन करवाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम खाने के लिए यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सोचा कि थोड़ी सी क्लिपिंग तो हमारी भी बनती है, तो इसीलिए बस थोड़ी सी एक शॉर्ट क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली। जब से घर से निकले हैं तब से मौसम बहुत अच्छा है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट हाँ हम थोड़ा वेदर कंडीशन देख के निकलते हैं तो बहुत अच्छा मौसम रहा। आप देख ही रहे हो कि जो ये रिमझिम बारिश हो रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो बेस्ट मंथ लगता है कि फेब्रुअरी एंड मार्च आर बेस्ट मंथ टू विजिट एनी हिल स्टेशन। तो हर जगह की एक अपनी अलग खूबसूरती होती है, हर जगह की एक अपनी अलग खासियत होती है। तो इसी के साथ हमने नैनीताल में एंटर किया है और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर हम इंजॉय कर रहे हैं नीम करोली बाबा मंदिर। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल, ऑलमोस्ट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंडर हैं हम, और यहाँ से एग्जैक्टली 9 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन रह गया है जो कि है कैंची धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम। कहते हैं वहाँ साक्षात हनुमान जी का अवतार, वो हनुमान जी का अवतार स्वरूप ही नीम करोली बाबा जी थे वहाँ पर, और उन्होंने तो समाधि ले ली है काफ़ी साल पहले ही। और तो हम उन्हीं के आश्रम के दर्शन करने जा रहे हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बहुत से लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा। बाबा जी के बहुत से चमत्कार भी रहे हैं, उनके समाधि लेने से पहले जितने भी चमत्कार बाबा जी ने किए हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हनुमान जी के दर्शन या बाबा जी की जो वहाँ पे प्रतिमा बनी है उसके दर्शन नहीं हो सकते। बट बाहर का जो एम्बियंस है या फिर जो उसकी एंट्री है मंदिर की, मैं वो आपको दिखा सकती हूँ वीडियो के थ्रू। अपनी गलती निकाल। दर्शन तो हमने बहुत अच्छे किए, थोड़ी देर वहाँ पर ध्यान भी किया और काफी समय आश्रम में हमने अंदर बिताया। और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से लोग वहाँ कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपका जो मोबाइल है या कैमरा है वो अंदर अलाउड नहीं है, तो आप भगवान को अपना पूरा समय दे सकते हैं, उनका समय ले सकते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं अल्मोड़ा और ये है रघुनाथ सिटी मॉल। अल्मोड़ा की सिटी में बहुत ही अच्छी सिटी है, हम यहाँ पहले भी विज़िट कर चुके हैं। और ये मॉल है, यहाँ पर हम डोमिनोज से ही खाना एट दी एंड खाएंगे क्योंकि हमें और कुछ यहाँ पर अच्छा मिला ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग होटल हेरिटेज में स्टे कर रहे हैं अल्मोड़ा में, और आफ्टर कैंची धाम पार्ट आपको अल्मोड़ा को देखने को मिलेगा। और अल्मोड़ा में भी हमने सिर्फ स्टे किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वाईफाई नेटवर्क और थोड़ा कनेक्टिविटी और मार्केट एरिया की वजह से हमने इस होटल को चूज़ किया है। और मैं आपको अभी होटल बाहर से दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जब से हम आए हैं, जब से हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया है, तब से बारिश ही हो रही है और अभी भी यहाँ पर बारिश चल रही है। हम्म।
ये वाला हमारा रूम है जो आपको दिख रहा होगा, और हमारे मामा जी यहाँ से इस कॉरिडोर से स्ट्रेट जाके उनका रूम है। और यहाँ पे जैसा कि बारिश थोड़ी तेज़ होने लगी है तो मैं थोड़ा अंदर आके छाँव में खड़ी हो गई हूँ। जब से हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है बारिश तब से हो रही है, और ये हमारी यहाँ पर कार है। हम बस निकलने ही वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है मुक्तेश्वर। सुप्रणव, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट मुक्तेश्वर? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर आपको ये हेरिटेज दिखाऊं अंदर से, तो जो कॉरिडोर मैंने फ्रंट आपको बताया था वो यहाँ पर है। अब तो बारिश हो गई। और ये इस हेरिटेज का बैकयार्ड है, और बहुत ही सुंदर बैकयार्ड है ये। यहाँ से व्यू आप देखेंगे तो पूरे अल्मोड़ा का व्यू आपको दिखेगा। जो व्यू है ना अल्मोड़ा का, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ, सो वी आर ऑल सेट टू गो। आपने अल्मोड़ा सिटी देखी, उम्मीद है जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है अल्मोड़ा, वैसे ही आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी सिटी। तो अब हम मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हाइट पर है तो उम्मीद है कि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिसे भी मतलब हमारे व्यूवर्स को मुक्तेश्वर में इंटरेस्ट है जो कि नैनीताल से ऊपर पड़ता है, तो आप ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ये यहाँ पर इनके आसपास वालों के खेत खलिहान हैं। मुझे तो अपने नानी के गांव की याद आने लगती है, वो भी बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इससे भी ज़्यादा एक्चुअली। और पहाड़ी लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ, बड़ी जम के बरसात हुई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, और उसके बाद हम आगे मुक्तेश्वर की तरफ बढ़ेंगे।
तो अभी जिस शॉप पे हमने चाय पानी किया था ना, उन अंकल जी का घर ये वाला है। तो यहीं अपनी शॉप है और यहीं अपना घर है, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है उनके घर से। पहाड़ों में तो आप कहीं पर भी हो, खूबसूरती तो वैसे ही रहती ही है, दिखती ही है। ये देखिए ऊपर कितने सुंदर बादल आए हुए हैं, बादल बिल्कुल ग्रीनरी के ऊपर से ऐसे जा रहे हैं जैसे रुई पिरोई के रखी हो वहाँ पर। कभी धूप कभी छाओ, बस ऐसे ही हम मज़े लेते हुए मौसम के जा रहे हैं। हम एक्चुअली वेदर कंडीशन और ये सब देखकर ही आते हैं, जब जाते हैं उत्तराखंड या कहीं भी किसी पहाड़ी एरिया में। तो हमें पता ही था कि 2 और 3 तारीख की जो है यहाँ पर बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन हम भी फिर पूरी तैयारी के साथ आए थे अपने रेनकोट एंड ऑल लेकर के, अम्ब्रेला लेकर के। तो चलो मौसम के साथ तो हम अच्छे पल बिता ही रहे हैं, और पहाड़ तो फिर पहाड़ ही है, पहाड़ तो प्यार है। हम मुक्तेश्वर के रास्ते पे निकले हैं, लेकिन गूगल मैप ने हमें कंफ्यूज कर दिया, उसने 2 अलग रास्ते हमें दिखा दिए सेम टाइम पे, और जिसमें से एक ऑप्शन हम ऑलरेडी ले चुके थे। तो अभी हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है, गूगल मैप ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हम वापस गए थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर वापस, फिर उस 1 किलोमीटर को दोबारा से रिपीट करके हम वापस उसी रास्ते पे आ गए जहाँ पे हम पहले चलना शुरू कर चुके थे। तो अभी जो यहाँ का रास्ता है वो जंगलों से होकर जाता है, और वैसे मुक्तेश्वर का रास्ता हाईवे से भी कटता है, बट हाईवे हमने पहले ही छोड़ दिया था। गूगल मैप के हिसाब से कम टाइम में यही एक रास्ता था जो मुक्तेश्वर हमें पहुँचा सकता था। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर किया है, हालांकि जो हमारा गूगल मैप है वो बीच में इसका रास्ता दिखा भी नहीं रहा था। और अगर यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखाऊँ तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर के एंट्री गेट पे, और यहाँ पे अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, और शीशा नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं होगा कार, बट बाहर ओले भी पड़ रहे थे बीच में। तो हमें इतना अच्छा मौसम मिला, इतना बढ़िया वेदर मिला, आपको मैंने दिखाया ही था। और पूरे रास्ते बारिश, और पूरे रास्ते हमें पूरा रास्ता जो है पूरी रोड इतनी पतली रोड थी और पूरा बादलों से ढका हुआ है पूरे रास्ते, कभी बारिश कभी धूप, मतलब आप ये समझ लो कि 6 ऋतुएं हमने एक्सपीरियंस कर ली है अभी तक के सफ़र में। तो अभी हम अंदर एंटर करते हैं, और जितना मुझे लगता है कि हो सकता है अंदर कैमरास अलाउड ना हो, मोबाइल अलाउड ना हो, तो लेट्स सी आगे, अभी आगे एंटर करके पता चलेगा। तो हम लोग जैसा मैंने आपको बताया था, हम रेनकोट लेकर के आए हैं और रेनकोट हमने पहन लिए हैं, और अभी हम लोग ना जैसे दिख रहे हैं जादू जैसे। इसीलिए मैंने ना सॉक्स उतार दी थी, क्योंकि सॉक्स गीली हो जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने सॉक्स उतार दी, ताकि एटलीस्ट ये होगा कि मैं अपने पाँव धोने के बाद गरम सूखी हुई सॉक्स तो पहन पाऊंगी ना कार के अंदर।
मैंने पानी में पैर दे दिया है और अब मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं तो चप्पल ही पहन दिया। पानी है, बर्फ का पानी है तो। हाँ आकृति है ना, जिस स्नेक का हेड है, इसका फोटो भी ले सकते हैं आप। इसको नागफन पहाड़ बोलते हैं, ये वाले आपके यहाँ भी होते हैं देवदार के पास, आप बोले ना ये पहाड़ों में होते हैं गढ़वाल जैसे। हाँ जी, श्री जब बर्फ पड़ती है नीचे को जाते हैं, ये जहाँ पे बर्फ पड़ती है देवदार ट्री वाले भी होते हैं। कभी आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे जो शिकारा होता है हाउस बोट, इसकी लकड़ी, इसकी लकड़ी पानी में सड़ती गलती नहीं है, तैरती नहीं है ना। ये 7,500 से ऊपर होते हैं देवदार के लोग। इसके भी प्रमुख हमारे शिवलिंग है। अच्छा, 5,350 साल से बताते हैं पांडव जमाने का। अच्छा, बाबा जी ये बंगाली बहुत बुजुर्ग है, यहीं मंदिर में रहते हैं 12 महीने। अच्छा, सर्दी में भी यही रहते हैं। ठंडा होता है सही बात है, रहते हैं और बस वही तो उनकी तप मंदिर है और कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे ग्रुप उनको यहाँ पे रैपिंग एंड क्लाइंबिंग दोनों एक्टिविटी होती है। रॉक के नीचे माउंटेन क्लाइंबिंग करवाते हैं, बारिश की वजह से बंद किया है। अभी दिख रहे हैं विलेज है, दिख रहा है धीरे धीरे, दिख रहे लोग रहते हैं ना गाँव में, विलेज दिख रहा है छोटी सी कहानी है। मुक्तेश्वर मंदिर जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है, ये भगवान शिव को असल में समर्पित है। तो यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर इसका पूरा नाम कहा जाता है, यानी कि जो मुक्तेश्वर जो नाम है अगर आप देखेंगे कि तो मुक्ति और ईश्वर दो शब्दों से बना है, यानी कि मुक्ति देने वाला भगवान। तो माना जाता है कि मंदिर कुछ 500 साल पुराना है और इसका उल्लेख जो है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है और जो भी हमारी पुरानी कथाएं हैं उनमें भी ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उन्होंने एक राक्षस का वध करके उसको मोक्ष प्रदान किया था। तो इस मंदिर का नाम वहीं से उसी घटना की बात से ही मुक्तेश्वर पड़ गया इस स्थान का नाम। और ये जो मंदिर है ये उस इस पूरे पहाड़ की चोटी पर है और यहाँ से मतलब बहुत बड़े बड़े हिमालयाज आपको दिखते हैं। कुमाऊं की तरफ के जो बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियाँ हैं, चौखंबा पर्वत और ये सब, अगर मौसम साफ रहा तो आप वो भी देख सकते हैं। जब हम गए थे मौसम साफ नहीं था तो काफ़ी सारी जो हिमालयन रेंज है वो हम नहीं देख पाए थे। बट हाँ, यहाँ पर मतलब इतना सुंदर एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी थी और बारिश और ओले इतने हमारे समय पे पड़ गए तो हमने उसका एक अलग आनंद लिया और वो भी एक अपनी जगह अच्छा अनुभव था मेरे लिए। यह है मंदिर का बैक साइड और इसके जस्ट बैक साइड में ये यहाँ पर है। अब देखिए ये हमारा पौराणिक शिवलिंग है। पुराने वक्त के जो शिवलिंग होते थे या अभी भी अगर कोई प्रॉपर शिवलिंग अगर स्थापित होगा तो असल में ऐसा होता है, शिवलिंग के ये पार्ट्स होते हैं चार, एक के नीचे जो कि ऐसे चौकोर में रहेगा गोलार्ध में, और एक ऊपर का ये वाला पार्ट आपका अलग रहेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो शिवलिंग पूरी तरीके से, जो शिवलिंग होता है क्या होता है कि हम जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं उसमें इतना जो पार्ट है वो ज़मीन के नीचे ही होता है और हम उसको जल ऊपर से चढ़ाते हैं। तो
ये है जमीन के अंदर नहीं है, पर शिवलिंग की जो असली पूरी आकृति होती है वो ये होती है। अब हम चलते हैं, फिलहाल के लिए तो महादेव को यहाँ से उनके इस स्वरूप को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। ये भूमि देवता मंदिर है। उत्तराखंड में या कहीं भी आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि अब ये देव भूमि है और भगवानों का और देवों का, देवियों का, सबका, सबकी भूमि है यही, तो यहाँ पर भूमि देवता भी एक मंदिर है, ठीक है, और ये भूमि देवता को समर्पित होता है। तो यहाँ भी हम हाथ जोड़ेंगे और जय बोलेंगे, और इसी के साथ हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। पैर हमारे बिल्कुल जम चुके हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। ये बहुत हाइट पर है और हाइट से होने के कारण यहाँ सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है। इस बार यहाँ बर्फ नहीं पड़ी है, बट बारिश दो दिन से बनी हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे और हम ऐसे ही मौसम में यहाँ आ रहे हैं। ये गाइस हमारा रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आउटसाइड एरिया हमारे रूम का ये है और उसके बाद द एंट्री गेट हमारे होटल रूम का ये है। तो अभी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं फिलहाल। और ये अभी अपने ऑफिस का तो ये हमारा बैकयार्ड है होटल का जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, होटल हेरिटेज अल्मोड़ा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप आई हुई है, ठंडी हवा भी चल रही है धूप के साथ में। पता नहीं आपको इसमें दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, रोड्स हैं बहुत सारी पहाड़ों से गुजरती हुई। तो मैं बस अभी यहाँ बैठ के यही सोच रही हूँ कि कैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटा गया है और पतली पतली सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ से बैठ के ना ये बहुत सुंदर लगता है। आज तो मौसम एकदम साफ है, कल और परसों काफ़ी बारिश थी। हम जब से घर से निकले हैं, ट्रैवलिंग स्टार्ट की है, तब से हमने बारिश ही देखी है और आज जाके मौसम साफ हुआ है और धूप इतनी अच्छी खिली है। मुझे ना एक्चुअली एक पहाड़ी सॉन्ग याद आ गया है और अगर मैं वो गाऊं तो बड़ा सुंदर वो गाना गाया जाता है, बट उसके साथ में मैं आपको ये हसीन वादियाँ दिखाऊंगी। और ये अल्मोड़ा का शहर जो इतना सुंदर लगता है, कैसे सटीक बसा हुआ है, यहाँ पे कलरफुल सबके घर हैं, घरों की छत इतनी कलरफुल है, सबकी खेतियाँ हैं आसपास, इतने बड़े पहाड़ पे वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें लेकिन सीधे लोग हैं, मतलब बहुत खूबसूरत है।
कभी कभी ना शब्द कम पड़ जाते हैं और अभी मेरे साथ वही हो गया है। वैसे तो मैं इतनी खूबसूरत बातें करती हूँ उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है ना, इसके सामने बैठी हूँ, देख रही हूँ, फील कर रही हूँ एनर्जी को, वाइब्रेशंस को यहाँ पर, बट शब्द नहीं पूरे पड़ रहे हैं। तो अभी तो टाइम हो रहा है 12:17 और अभी तक हमने लंच नहीं किया है, हम रुके हुए थे, हम अभी सुबह से कहीं गए नहीं हैं आज, तो हम थोड़ी देर में खाना खा के कसार देवी जाएंगे, फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी और वहाँ के बारे में भी बताऊंगी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन्स होंगी जो मैं आपको उसके बारे में वहाँ पर शेयर करूंगी। तो आप कसार देवी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अभी इस व्लॉग पर। आज का दिन दोपहर तक होटल में ही निकल गया है क्योंकि हमारी कुछ ऐसी स्केड्यूल चीज़ें थी जो हम हमेशा डेली लाइफ में फॉलो करते हैं और हम उसे यहाँ पर स्किप नहीं करना चाहते थे। तो कल शाम जब हम घर आए तो बस डिनर करके हम सो गए और उसके बाद सीधा अपने जो भी मॉर्निंग लाइफ रूटीन होते हैं वो किए। और क्योंकि कल हमारे साथ मामा जी नहीं गए थे, हमने सोचा था कि आज क्योंकि हम कसार देवी जा रहे हैं तो आज हम दोपहर तक मामा जी को वेट करते हैं, उनका रूटीन कंप्लीट होगा और मैं भी अपनी जो रिचुअल्स मैं फॉलो करती हूँ जनरली वो अपना काम ख़त्म करके उसके बाद मैं हम तीनों मिल करके चलेंगे। तो बस फिर हमने सोचा कि क्यों ना लंच करके ही जाएं, फिर ताकि हम शाम को लेट भी आते हैं तो एटलीस्ट हमने लंच किया हुआ होगा। हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी करना नहीं चाह रहे बाहर खाने का, तो ठीक है, मुझे ये सही लगा। तो आज हम जो कसार देवी जा रहे हैं जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा एरिया में पड़ता है और ये धार्मिक जगह है, ये माता का मंदिर है और इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत और जो इसका जियोग्राफिकल साइंस है मैं वो थोड़ा आपको बताऊंगी। तो जो कसार देवी मंदिर है ये बहुत ही फेमस मंदिर हो चुका है अब तो, और ये अपना 2nd century से ही यहाँ पर है। दूसरी बात, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ, जब ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, ये हुआ था जब स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दौरान यहाँ पर आकर ध्यान किया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि कसार देवी मैं पहुँच चुकी हूँ और मामा जी और प्रणव जो हैं वो नीचे ही रुक गए हैं क्योंकि मामा जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे तो वो नहीं आए हैं, तो उनका साथ देने के लिए प्रणव भी वहीं रुक गए हैं। आफ्टर ऑल प्रणव का ऑफिस का वर्क भी पेंडिंग है थोड़ा सा। तो ये घंटी भी यहाँ पे टूटी हुई है। वैसे तो स्टेयर्स भी हैं, एक रास्ता यहाँ से भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कसार देवी मंदिर जाने का सुगम रास्ता, और ये भी है एक, तो दोनों तरीके के हैं। तो पता नहीं बीच में मेरा GoPro काम करना बंद कर गया था, तो वो जो मंदिर है ये माता का मंदिर है जो कसार देवी यहाँ पे साक्षात हैं। कसार देवी कात्यायनी माता का ही दूसरा नाम है और उन्होंने शुंभ निशुंभ राक्षसों को मारने के लिए जो अवतार लिया था वो कात्यायनी माता का नाम, उनका नाम कात्यायनी माता है। और ये इनका जो नवरात्रों में 9 नवरात्रों में छठा दिन जो होता है वो कात्यायनी माता का ही होता है। और यहाँ से ऊपर के रास्ते पर ये आपको दिखेगा ऐसे स्टेयर्स हैं, यहाँ शिव भगवान का मंदिर है, इसके ऊपर वहाँ शिवलिंग बने हुए हैं, 2 शिवलिंग मैंने देखे थे, एक तो बीच में मेन मंदिर है जो पहले से है, एक अभी नया शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हुआ था मैंने वो भी देखा था। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत जैसा हमेशा ही होता है। वो एक पिक्चर पॉइंट बना हुआ है नीचे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं लोग जाकर के, इसका एक सेपरेट रास्ता है नीचे से ही। बाकी यहाँ से पूरा अल्मोड़ा सिटी दिख रहा है और ये जंगल एरिया है, ये जंगल के बीच में है बिल्कुल मंदिर। तो
ऐसा दिख रहा है ये। अभी इस वक्त मैं कसार देवी में हूँ और मैं यहाँ पे अभी अकेली ही हूँ इस एरिया में। तो जो मेन कसार देवी मंदिर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसके ऊपर जो मैंने शिव मंदिर आपको अभी दिखाया है, उस एरिया में यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। तो अभी यहाँ कोई भी नहीं है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। और देवदार के पेड़ों के साथ में अलग अलग पेड़ हैं और बड़ी शांति है। जंगलों के बीच में यह मंदिर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत एक अलग शांति है यहाँ पे, एक वाइब्रेशन ही यहाँ पर अलग है। तो जब आप कसार देवी में एंटर होते हैं तो सबसे पहले एंट्री पर एक आपकी हमेशा जो एक बेल आती है, घंटी आती है, जब आप मैंने उसको बजाया तो वो मतलब इतनी अच्छी वो घंटी थी कि उसकी जो आवाज़ है उसे मैंने बहुत देर तक सुनती रही, उसकी हवा में आवाज़ में जो वाइब्रेशन रही काफ़ी देर तक, बहुत अच्छी लग रही थी। और मौसम भी ठीक है, धूप भी आज हो गई है, तो एक ये मुझे आज फ़ायदा हो गया है। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। थोड़ा सा मेडिटेशन करने का सोचा है, अभी स्टार्ट करती हूँ बस 5 मिनट में। तो ये है माता कात्यायनी का मंदिर और ये यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। और सीढ़ियों के पास ही आपको दुकानें मिल जाएंगी 2 प्रसाद की, आप वहाँ से प्रसाद लीजिए और माता को भेंट कीजिए।